अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का सालन। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे 1 कप। अब इसमें हमने स्लाइस किए हुए ऑनियन और लहसुन ऐड कर लिया है। इसको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। अब इसमें हम अदरक ऐड करेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन अच्छी तरह से लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें मसाले हम ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, पिसा हुआ जीरा और गरम मसाला। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने। और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे, ग्राइंड किए हुए, और हरी मिर्चें भी। इस तरह से भून लेंगे इसको अच्छी। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इतना पानी ऐड कर इसमें गोश्त गल जाए। अब हम गोश्त को स्टीम में पकने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में। तो आप देख सकते हैं हमारा गोश्त, चेक करेंगे गला है कि नहीं, गल गया है हमारा गोश्त, गल चुका है। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से और फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे भूनने के बाद। आलू ऐड कर लिए, सालन भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे जितने जिसमें ये आलू गल जाए। और पानी आप उस हिसाब से ऐड करें जितना आपको शोरबा पसंद है, आप उतना ऐड कर लें। आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश ऑफ करेंगे।